नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं यू एस टी वी इंडिया। 2024 स्टार्ट हो चुका है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अपने वोटरों को लुभाने लग गई है कि वोट दीजिए। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, यानी कि देश की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। क्या लग रहा है, इसी साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री यानी किसको पसंद कर दें, प्रधानमंत्री किसको मनाने जा रहे हैं? अब तो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता बहुत खुश है उनसे और पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मोदी जी एकमात्र नेता हैं जिन्होंने देश को 10 सालों में बहुत आगे बढ़ाया, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया और वैश्विक राजनीति में वैश्विक पटल पर मोदी जी आज भारत को चमका रहे हैं, खुद अपने व्यक्तित्व से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कर्मठता से। तो इसलिए मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं 2024 में और जनता खुशी खुशी से चाह रही है कि मोदी जी फिर रहें और बार बार रहें। लेकिन कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है दुनिया भर की, बेरोजगारी का दर बहुत स्तर पर बढ़ गया, आप कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री? कौन कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है? जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को रोजगार मिला है और बहुत बड़े पैमाने पर मिला है। किसे मिला है रोजगार? किसे मिला है? गाँव से लेकर शहर तक। रोजगार का मतलब क्या समझते हैं आप? रोजगार होता है जैसे आपने ये कैमरा खरीदा, आपने चैनल बनाया, कहीं से बजट आया ना आया? आया से बजट आया? कहाँ से बजट आया? आप ये बताएंगे ना कहाँ से बजट आया? पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं, क्या रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं आ रही है? कौन कह रहा है? ऐसा नहीं है, पर जो पढ़ा लिखा है उसको भी रोजगार मिला है। जो जिसके अंदर जितनी क्षमता है उस अपनी क्षमता के अनुसार यदि कुछ करना चाहता है तो इस सरकार ने उसको अवसर उपलब्ध कराया है। अवसर उपलब्ध कराना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष एक चौक चुका है, विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, इंडिया पर भारी पड़ेगा वो भाजपा? ना, विपक्ष के अंदर दम नहीं है, विपक्ष में कोई नेता नहीं है जिसके पास कोई बड़ा विजन हो, कोई बड़ी सोच हो देश के लिए कुछ करने की क्षमता हो, विपक्ष में ऐसा है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा करके देश जोड़ दिया आप, कुछ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा करने से देश जोड़ी, प्रधानमंत्री बनाइए ना युवा। ना क्या जोड़ा राहुल गांधी जी ने? क्या बांग्लादेश को जोड़ लिया कि पाकिस्तान को जोड़ लिया कि तिब्बत को जोड़ लिया? क्या जोड़ लिया राहुल गांधी जी ने? भारत जोड़ो यात्रा कहने से भारत जो टूटा था वो आज भी टूटा है और जो जुटा था वो पहले से वो आज भी जुटा है। तो उन्होंने यात्रा करके किया क्या? जो हिंदू मुस्लिम करने वाले है वो कौन है? कौन है? आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? जवाब दो, आप दीजिए ना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ। मान लो जो हिंदू आप बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कह रहे राहुल गांधी के पीछे खान लगाइए, क्यों लगाइए खान? उनकी मर्जी है, वो कुछ भी लगाइए। देख भाई, जो अपना जात का नहीं है ना वो अपने औकात का नहीं है। ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? जो समय की सरकार है वो समय से चलती रहेगी, जो राहुल गांधी जैसे है वो अब जेल में जाने का है। हाँ, राहुल गांधी जेल में जाएंगे? हाँ, अरविंद केजरीवाल पे भी भारी पड़ रहा है इस टाइम, क्योंकि इन जो 28 पार्टी इकट्ठी हुई है ना वे सारे चोर है। चोर क्यों इकट्ठे हुए हैं? एक ईमानदार को हराने के लिए। ईमानदार कौन है? मोदी जी। मोदी जी पूरे ईमानदारी से अपना देश की जनता की भलाई के बारे में हर समय जुटे रहते हैं, 18 से 20 घंटे वो देश की भलाई के लिए चले हुए हैं। 70 साल में इन्होंने जब वोट लेने का समय आता है तो जनता में जाते हैं, 5 साल पे वोट के समय वोट ले लिया, बस 5 साल के लिए उनको धकेल दिया नाड़ियों और गलियों में, नाड़ियों और गलियों से आगे उनको बढ़ाया ही नहीं है, नहीं बढ़ाया है, जनता ने आज उनको नकारा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई, ये क्या है भाई, ये नरक में जाने वाले लोग हैं। एनडीए? हाँ, ये हाँ एनडीए, जो इंडिया कट्ठे नरक में जाने वाले एनडीए, भाजपा के समर्थक, जो 26 पार्टियाँ जो इकट्ठी हुई है ना, जो भी 26 पार्टियाँ है, नहीं मेरे को पता है 26 पार्टी इकट्ठी हुई है ना, वो नरक में जाने का है। आप क्या लगता है किन मुद्दों के साथ अब के 2024 में प्रधानमंत्री बनाना जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ऑफकोर्स विकास के मुद्दे पे काम कर रहा है। मैं भी गुजरात से हूँ, मैं लंदन इंग्लैंड। मोदी की लग रहा है बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हाँ क्यों नहीं होगी,
आज से 15 साल पहले 10-15 साल पहले भारत को विदेशों में कोई पूछता क्या? मनमोहन सिंह विपक्ष आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो एक महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एनसीआरबी का डाटा है जो महिला सशक्त की बीजेपी बात करते हैं, जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के डाटा बहुत ज्यादा बढ़ते हुए। एक बात बताओ, 70 साल में बेड़ा घर कर रखा है कांग्रेस ने, तो 9.5 साल में मोदी जी के पास 70 साल से बेड़ा घर कर रखा है, तो 9.5 साल पे के का कार्यकाल देख लो, उनके पास कोई जादू छड़ी नहीं है कि घुमा देंगे और आर्थिक तरक्की पे देश के लिए टाइम तो लगेगा ही है, तो कर रहे हैं। देखो अपना कृत्रिम कोहिनूर तो अंग्रेज चुरा के ले गए, लेकिन अब ये तो जीवित कोहिनूर है मोदी जी, उनको तो जिंदा दिली के साथ विपक्षियों को मेरा संदेश करने दो, क्या दिक्कत है? काम कर रहे हैं अच्छा भला, कितनी योजनाओं ला दी, जितनी योजना ला दी हिंदू पर्व में इतनी पर्व नहीं होंगे। मोदी जी के साथ साथ योगी जी भी लाइन में है प्रधानमंत्री बनने के लिए, देखो वो तो है ही है, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और यूपी के लिए योगी, न हो तो बात कैसे बनेगी? प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में मोदी जी ने समन्वय किया है, आप देखो तो पॉलिटिक्स पॉलिसी और पीपल का भी समन्वय किया है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आप देख लो, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख लो, DRDO का इसरो का ये आप दिल्ली में G20 हुआ, कोई सोच भी सकता है, कल्पना से परे हैं, तो विश्व स्तर को लीड कर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी अपडी बढ़ रहा है, तो काम हो रहा है, क्यों नहीं काम करें? बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री, अरे बिल्कुल बनने चाहिए। देखो मोदी जी को कोई हल्के में ना ले, राजस्थान मध्य बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, प्रधानमंत्री हमारे साथ। देखो 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 उनका क्या है पता है, विराट कोहली और मोदी जी को मैं सिमिलैरिटी बताता हूँ, जब कोहली जी क्रिकेट मैदान पे उतरते हैं ना तो बॉलरों को पसीने छूट जाते हैं, मोदी जी जब चुनावी रण मैदान में उतरते हैं ना तो विपक्षी अपनी रणनीति और गारंटी वारंटी भूल जाते हैं, रणनीति गारंटी वारंटी भूल जाते हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या लगता है भाई? हमें तो प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए योगी आदित्यनाथ को, अब भर्तियां याद आई हैं पिछले 6 साल बाद, जब 2024 का चुनाव आया है, जब मोदी जी ने वहां से डायरेक्शन दिया है कि भर्तियां निकालो चुनाव आने वाला है, तो तब उन्होंने भर्तियां निकाली। आज से पहले कहां थी भर्तियां, आज से पहले रोजगार कहां था, और जो निकाली उसमें भी उम्र सीमा कम कर दी। क्या उत्तर प्रदेश का रोजगार युवा जो है वो 21 साल तक के लिए रोजगार है? उन्होंने उम्र की सीमा कम कर दी, उसके बाद जब विपक्ष ने वो हंगामा किया तो उम्र की सीमा बढ़ाई गई, कहां थी भर्तियां अब तक, कहां है रोजगार आप बताइए? बिल्कुल रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, युवा दर दर भटक रहे हैं। तो अब 6 साल में याद आई है, अब 6 साल में याद आई है, अब 2024 के चुनाव में याद आई है इन लोगों को। मंत्री किसे बनाएंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? नहीं, वो इंडिया गठबंधन तय करेगा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक, तो ये थी देश की जनता यानी कि दिल्ली की जनता के बीच हम उस वक्त मौजूद थे, कोई कह रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा कौन प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठता है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।